बारहवीं में पढ़ने वाली लड़की ने केजरीवाल को उधेड़ा। फ्री में देंगे तो जनता को ऐसे आलसी बना देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो आप, अगर अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप मेहनत करना छोड़ो। राहुल गांधी के नाम पर हंसी और फिर उन्हें भी जमकर खदेड़ा। उनके दिमाग में भी बचपना लगता है मेरे को। मोदी राज में देश की सुरक्षा पर लड़की ने खोली सबकी आंखें। पहले इंडिया को कोई गिनता ही नहीं था, सब बॉटम पे था, और फिर जब मोदी आया तो सब इंडिया को पूछने लगे। कौन है मोदी के वडनगर की ये लड़की जो कर रही है बड़ी बड़ी बातें? हिंदू मुस्लिम ये सब जो लोग है ना वो कर रहे हैं, मोदी तो कुछ करवा नहीं रहा। गुजरात के रण की हर एक रणनीति, 182 विधानसभा सीटों की सटीक कवरेज, बीजेपी कांग्रेस आपके जंग की कहानी, पीएम मोदी के गढ़ से एनएमएफ न्यूज की जुबानी। गुजरात का साहिब कौन? गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे माहौल गर्माता जा रहा है। तुम्हारा भरने का? हाँ तो निकलो यहाँ से। कहने को तो गुजरात में तीन बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है इसका अंदाजा जनता की बातें सुनकर अभी से लग रहा है। हम लोग मुफ्त का कुछ लेते भी नहीं, खाते भी नहीं, हम लोग अपना कमा के अपना खाते हैं, इसलिए हमको मुफ्त वाले लोग नहीं चाहिए। एनएमएफ न्यूज की टीम चुनावी माहौल में पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात पहुंची तो आम जन का साफ कहना था कि आएंगे तो मोदी ही। कांग्रेस के सवाल पर गुजरात की जनता की एक जैसी राय थी और वो ये कि यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। हालांकि जब बात आई आम आदमी पार्टी की तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। किसी ने कहा केजरीवाल को चांस देना चाहिए, तो किसी ने कहा यहाँ पर अगर केजरीवाल आ गया तो गुजरात को भी पाकिस्तान बना देगा। किसी ने केजरीवाल को चोर बता डाला, श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे, केजरीवाल आएंगे तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, लूटपाट होगा, सब होगा, कोई शांति जी नहीं सके, रह नहीं सके। केजरीवाल तो चोर है, चोर है। खैर, इसी तरीके से एनएमएफ न्यूज की टीम आगे बढ़ रही थी और तभी वडनगर की गलियों से गुजरते हुए हमारी नजर इस लड़की पर पड़ी। देश का भविष्य कहे जाने वाला नौजवान मोदी को लेकर क्या सोचता है, यही जानने के लिए जैसे ही हमने इस लड़की से सवाल पूछा, लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। इतनी कम उम्र की इस बच्ची ने साफ शब्दों में कहा कि मोदी जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उनका ऑरा ही ऐसा है, मोदी है तो बॉर्डर सेफ है। मोदी की भर भर कर तारीफ करने के बाद फिर सवाल हुआ कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर। इस पर प्रियल नाम की इस लड़की ने कहा कि राहुल गांधी पीएम रेस में है ही नहीं, उन पर सिर्फ मीम ही बन सकते हैं। प्रियल ने बाकायदा उदाहरण दिया और कहा कि जब वो आलू से सोना निकालने की बात करते हैं तो फिर मीम ही बनेंगे ना, उनके दिमाग में अभी बचपना लगता है। सुनिए प्रियल ने क्या कुछ कहा। बहुत ही यूनिक है वो, या कोई है उनकी टक्कर का जो आने वाले वक्त में उनको टक्कर, योगी राहुल गांधी नहीं लगते? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लगते, उनमें उनके दिमाग में भी बचपना लगता है मेरे को। राहुल गांधी के दिमाग में बचपना लगता है, क्यों ऐसी क्या बात करते हैं? अभी जैसे 2-4 साल पहले उन्होंने कहा था एक साइड से आलू निकालो, एक साइड से सोना बरसेगा, वो सब तो उनके उनके नाम पर सिर्फ मीम ही बन सकता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी कांग्रेस के बाद फिर बारी आई केजरीवाल की। भले ही एक तरफ केजरीवाल गुजरात में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हो, लेकिन प्रियल ने केजरीवाल को ऐसा लताड़ा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी सुनेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। केजरीवाल का क्या स्कोप है? वो थोड़े सॉफ्ट है, हार्ड है। ज्योग्राफी नहीं मालूम, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? वो हमारे देश का इसी धार्मिक इतिहास नहीं मालूम, वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? केजरीवाल वो IIT से पढ़े हुए मैंने सुना है, तो हो सकता है वो एजुकेशन अच्छा ला सके, बट जो है ना अपनी बॉर्डर
उनको सेफ नहीं कर पाएंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो, मुझे ऐसा लगता है। बॉर्डर को सेफ नहीं कर पाएंगे अभी मोदी राज में बहुत ही। हाँ, केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में देंगे, तो क्यों लगता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए फ्री? फ्री में देंगे तो जनता को ऐसे आलसी बना देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो आप, अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे, तो उसमें देश की तरक्की अगर नीचे चली जाएगी, होगी नहीं ऐसे फ्री में देंगे तो। मोदी मैजिक चल रहा है आपके ऊपर? हाँ, बहुत ही। तो देखा आपने, गुजरात का बच्चा बच्चा मोदी मैजिक से किस कदर प्रभावित है। वैसे मोदी के बाद अगर किसी को प्रधानमंत्री की रेस में प्रियल देखती हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बच्चे के हिसाब से नितिन गडकरी भी अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात के बच्चों का माइंडसेट साफ है कि प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी बीजेपी ही सबसे सही है। 12वीं क्लास की इस बच्ची के विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। NMF न्यूज के लिए नम्रता शर्मा, रोहित पांडे, उमाकांत, सपना दानू और मोहन की राय। लेकिन हिंदू मुस्लिम ये सब जो लोग है ना वो कर रहे हैं, मोदी तो कुछ करवा नहीं रहा। सबके कान में जाके थोड़ी ना कह रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम करो ये सब, तो वो अगर हिंदू है तो हिंदू ही बताएंगे अपने आप को, तो फिर उन अगर उन्हें मुस्लिम्स को क्या तकलीफ है। अगर जो देखो, अगर अयोध्या में वो राम मंदिर बनवाया तो जमीन हमारी थी और बनवाया, इसमें क्या किया उन्होंने? और ऐसा नहीं कि वो मुसलमान को सपोर्ट नहीं करते, करते हैं, बहुत ही अच्छा वाला करते हैं, लेकिन किस वो तीन तलाक वो कोई मुस्लिम नेता भी नहीं कर सका। वो तीन तलाक जो मुस्लिम औरतों को सदियों से अपमानित होता होना पड़ता था, कोई जो मायके जाती थी और दूसरे साथ निकाह या मियाँ दूसरा निकाह कर देता था, तो उसके खिलाफ जो मुस्लिम औरतों को जो न्याय दिलाया वो उसी औरत उस आदमी ने दिलाया, उनका तो लेना देना ही नहीं था। मोदी के बाद अगर किसी को देख रही है प्रधानमंत्री तो योगी को ही। योगी की खासियत कुछ बताइए, क्या लगती है? वो बस हिंदुइज्म को बचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे ऐसा। यूपी में भी उनको है, उनकी फैन फॉलोइंग ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम भी उनका साथ दे रहे ये सब, लेकिन योगी बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जब सड़क पे चलते होंगे तो महसूस होता होगा एक्सप्रेसवेज बन गए, हाईवे बन गए, कैसा महसूस होता है? अच्छा काम है या ठीक है या बहुत बढ़िया? अच्छा है, अच्छा है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा काम किया है नितिन गडकरी ने। हमारे वडनगर में रेलवे स्टेशन नहीं था तो फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है, और इधर से वलसाड तक की ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, तो अच्छा काम किया उन्होंने। नितिन गडकरी नहीं बन सकते PM आने वाले? मोदी जैसा तो नहीं बन सकते, शायद बन भी जाए, लेकिन उनके जैसा काम नहीं कर सकता कोई भी अभी तक लगता है। अभी आप यूथ हैं और आपको जो यूथ नेता है राहुल गांधी वो पसंद नहीं है? नहीं पसंद है बिल्कुल भी, लेकिन उनको मीम बहुत बनता है उनपे, और पब्लिक में क्या बोलना चाहिए ये सब नहीं आता। ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, गुजरात तो नहीं आए हैं अभी तक, क्या कहोगे उस भारत जोड़ो यात्रा में? फायदा होगा कांग्रेस को लगता है या बस चल रहेगा? वैसे ही कोई फायदा नहीं हो सकता कांग्रेस का इससे, क्योंकि मोदी मैजिक जो चल गया है तो वो ना निकालने का बहुत ही कठिन होगा कांग्रेस के लिए। थैंक यू।